कहते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत आमतौर पर दुनिया भर के लोग या तो चाय या फिर कॉफी से करते हैं, और यह एक जैसा मानो परंपरा सा बन गया हो। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आज अचानक यह इन्फोडेक्स चाय कॉफी की क्यों बातें कर रहा है। तो बता दूं मेरे दोस्तों, आज आप हम सब चाय के कुछ रोचक भरे तथ्य को समझने और सुनने वाले हैं। अगर आप चाय में दिलचस्पी रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए और भी मजेदार होने वाला है। तो चलिए ना समय ज्यादा लेते हुए जानते हैं क्या है इनमें कुछ खास। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाय से सेहत बनती और बिगड़ती दोनों है, पर वो निर्भर करता है कि पीने वाला किस सामग्री से बने हुए पात्र में चाय पी रहा है। चाय के अगर कोई रोचक किस्से जाने तो वो दुनिया भर में बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। तो चलिए जानते हैं चाय से भरे रोचक तथ्य के बारे में। चाय को एक राष्ट्रीय पेय के रूप में माना गया है अफगानिस्तान और ईरान में। ग्रीन टी का इस्तेमाल सेहतमंद प्यास बुझाने के लिए उपयोग करते हैं और ब्लैक टी को गर्मी पैदा करने के लिए, जबकि दोनों को बनाने में बहुत सारी चीनी खर्च होती है। बहुत समय से चाय को एक सेहतमंद पेय के रूप में माना गया है अगर एक सही मात्रा में ली जाए तो। हाल फिलहाल के शोध में ग्रीन टी से यह पाया गया है कि कुछ तरह के कैंसर जैसी बीमारी में ग्रीन टी का सेवन करने से निजात मिलती है। इसके साथ ही मुंह से दुर्गंध नहीं आती, दिल की बीमारी का भी कोई खतरा नहीं रहता, वजन कम करने में कारगर है ग्रीन टी, और साथ ही रक्तचाप भी संतुलित बना रहता है। चाय का उत्पादन एक पौधे के पत्तों से बनता है जिसका बोटैनिकल नाम कैमेलिया सिनेंसिस है। अलग अलग प्रकार के चाय को बनाया जाता है केवल अलग ढंग से इस पौधों के पत्तियों को प्रक्रिया में लाकर। कहा जाता है चाय के व्यापार का बहुत अच्छा योगदान रहा व्यापारिक संबंध स्थापित करने में, जो पूर्व पश्चिम विदेशों को जोड़कर रखती है। एक व्यस्क चाय के पौधे के टहनी का ऊपरी भाग का 1 से 2 इंच तोड़ा जाता है चाय की पत्तियों को बनाने के लिए। बाद में कुछ दिन 7 से 15 दिनों में तोड़ी हुई टहनी फिर से बढ़ जाती है उसके अपने ऋतु आने पर। देखा जाए तो ज़्यादातर चाय की खेती पूरे विश्व में ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें वो क्षेत्र लगभग समुद्री स्थल से 3,000 से 7,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, जो क्षेत्र ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हो वह चाय की खेती के लिए बेहतर मानी गई है। इस क्षेत्र में आने वाले देश जो चाय की खेती करते हैं वो है अर्जेंटीना, चीन, भारत, इंडोनेशिया, केनिया, मालवी, श्रीलंका और तंजानिया। चीन में तो एक अलग ही परंपरा है आभार व्यक्त करने का। जब भी कोई चाय पेश करता है तो पीने वाले अतिथि व्यक्ति अपनी हाथों की 2-3 उंगलियों से टेबल पर मारकर धुन बजाकर उस चाय पेश करने वाले को आभार के रूप में व्यक्त करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन विश्व में सबसे ज्यादा चाय की खेती करने वाला देश है, जबकि भारत दूसरा। साल 2009 में चीन ने 13,59,000 टन चाय का उत्पादन किया था और भारत ने दूसरे पायदान पर रहकर 9,79,000 टन। साल 2005 के मुताबिक पूरे विश्व में चाय की मार्केट की आय तकरीबन $20 बिलियन थी। एक शोध के हिसाब से एक विकसित चाय का पौधा 52 फीट ऊंचा होता है अगर उसकी पत्तियों को काटा ना जाए, पर चाय की खेती के हिसाब से पौधे की ऊंचाई कमर के बराबर रखी जाती है। साल 1904 के सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर में एक ब्रिटिश रिचर्ड ब्लेचेडन नामक व्यापारी ने बर्फ वाली चाय का आविष्कार किया था, जिसे बाद में 19वीं शताब्दी के अंत तक कुक बुक ने अपने रेसिपी में शामिल किया। अगर भारत की बात की जाए
तो भारत के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें चाय पीने का एक अलग ही मजा आता है। भारत के कई राज्य जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, इन सब जगहों पर मिट्टी के बर्तनों में चाय पीने का एक अलग ही स्वाद आता है। उन बर्तनों को जिसे ज्यादातर लोग कुल्हड़ कहते हैं, और चाय के स्वाद को निखारती है तबेले वाली दूध, जिसमें एक सौंधी सौंधी सी मिट्टी वाली खुशबू जैसे स्वाद आती है एक कुल्हड़ वाले चाय को पीने से। अब तो ये स्वाद वाली चाय के लिए लोग तरसते हैं जो शहरों में रहते हैं, इसलिए शहरों में कहीं कहीं मिट्टी के बर्तनों से बनी चाय के ग्लास को पूरा भट्टी में गर्म करके उसमें चाय को डालकर देते हैं, जिससे कि एक मिट्टी वाली सौंधी स्वाद का मजा लिया जाए। इस प्रक्रिया से बने हुए चाय को शहरों में तंदूर चाय का नाम दिया गया है, जो कि कई जगहों पर बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित भी है। तो देखा आपने, चाय के कितने अलग अलग रोचक किस्से हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को सुनने समझने के लिए इन्फोडेक्स के साथ बने रहिए। हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून, वंदे मातरम।